आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे गेट 2014 के जो भी क्वेश्चंस हमारे पास में कैलकुलस के टॉपिक से पूछे गए थे आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। इसका मैंने पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ये हमारा पार्ट टू है जिसमें हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये हमारा चैनल अगर क्रिएटिव लग रहा है या फिर आपको अगर ये हमारा चैनल काफी सपोर्टिव लग रहा है स्टूडेंट्स के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप शेयर करिए हमारे चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, इससे हमारा चैनल क्या होने वाला है, ग्रो होने वाला। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल अच्छा है या फिर जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सही कंटेंट है तो आप प्लीज क्या करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, थैंक यू। चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2014 के मैकेनिकल के फर्स्ट सेट में सिंगल मार्क के लिए अपेयर हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में लिमिट के टॉपिक से, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है हमारे पास में, जीरो वन थ्री और नॉट डिफाइंड। हमारे पास में चार ऑप्शन दिए गए। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स हमारे पास में लिखा हुआ। अगर आप ये एक्स की वैल्यू को जीरो टेंड आउट करें, चलिए हम एक्स की वैल्यू को यहां पर जीरो पुट आउट करते हैं, दैट मीन्स जीरो माइनस साइन जीरो अपॉन वन माइनस कॉस जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है एंड कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, दैट मीन्स ये हमारा जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आ रहा है। That means, जब भी हमारे पास में 0 अपॉन 0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आता है तो हम क्या यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। आई होप लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया एल हॉस्पिटल रूल। हम क्या करेंगे यहाँ पर, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो एल हॉस्पिटल रूल हमारे पास में क्या होता है, हम न्यूमरेटर वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड डिनोमिनेटर वाले पार्ट को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक कि हमारे पास में ये 0 अपॉन 0 वाला फॉर्म हट ना जाए। ठीक है, चलिए तो डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले दैट मींस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास में आएगा 1, साइन एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा हमारे पास में कॉस एक्स। ठीक है, जब डिनोमिनेटर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे दैट मींस 1 को डिफरेंशिएट किए तो 0, और जब हम कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आने वाला, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो हमारे पास में ये हो जाएगा। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 दैट मींस, चलिए अब हम क्या करते हैं यहां पर एक्स की वैल्यू को 0 रख के पुट करते हैं, दैट मींस 1 माइनस cos 0 अपॉन साइन 0, दैट मीन्स 1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है एंड साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, दैट मीन्स अभी भी हमारे पास में क्या आ रहा है, 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रहा है। दैट मीन्स एक बार और हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में अभी भी क्या आ रहा है, 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रहा है। ठीक है, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, न्यूमरेटर वाले पार्ट में 0 और cos x का डिफरेंशियल sin x। ठीक है, उसके बाद जब हम नीचे में डिफरेंशिएट करेंगे दैट मींस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा हमारे पास में, कॉस एक्स। ठीक है, चलिए दैट मींस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जब हम फिर से एक बार डिफरेंशिएट करें उसके बाद हमने क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को जीरो पुट आउट करेंगे, दैट मींस साइन जीरो अपॉन कॉस ऑफ जीरो, दैट मींस हमारे पास में क्या आएगा, यहां पर साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है एंड कॉस जीरो की वैल्यू वन। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आने वाला, 0 डिवाइडेड बाय 1 व्हिच इज इक्वल्स टू 0, जो कि हमारे पास में आंसर हो जाने वाला। तो आंसर हमारे पास में क्या आएगा, ऑप्शन है। ठीक है, जो कि हमारे पास में 0 आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ये क्वेश्चन हमारे पास में एल हॉस्पिटल रूल पे बेस्ड था। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2014 के मैकेनिकल के सेकंड सेट में सिंगल मार्क के लिए अपीयर हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन साइन 4x। ठीक है, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ 4x। ठीक है, चलिए हम x की वैल्यू को जीरो पुट आउट करके चेक करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास में वैल्यू क्या हो रही है। तो जैसे ही हम x की वैल्यू को जीरो पुट आउट करेंगे तो हमारे पास में आएगा e टू द पावर 0 माइनस 1 अपॉन साइन 0, दैट मींस e टू द पावर 0 हमारे पास में होता है 1 एंड साइन 0 की वैल्यू 0, दैट मींस हमारे पास में 1 माइनस 1 दैट इज 0
सो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म हमारे पास में आ रहा है, इसका मतलब है क्या हमारे पास में कि हम यहां पर भी क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सिमिलर वे में जैसे अभी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था, सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। चलिए, तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, e टू द पावर 2x का हमारे पास में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 माइनस 1 का डिफरेंशियल 0 अपॉन sin 4x। sin का डिफरेंशियल हमारे पास में होता है cos x, तो हमने लिख लिया cos x। उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे, दैट मींस 4x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 4। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब चलिए हम x की वैल्यू को 0 पुट आउट करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। सो 2 इंटू ई टू द पावर 0 अपॉन 4 cos 0, दैट मींस हमने क्या किया, x की वैल्यू को 0 टेंड कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास में, e टू द पावर 0 हमारे पास में होता है 1 एंड cos 0 की वैल्यू होती है हमारे पास में 1। सो आंसर हमारे पास में आएगा हाफ। ठीक है, दैट मींस हाफ दैट इज 0.5 होता है हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में बस बेसिक कंसेप्ट हमारा जो है एल हॉस्पिटल रूल का है, और लिमिट को जो हम लोग डील करते हैं बस वही बेसिक कंसेप्ट से डील किया गया था। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2014 के मैकेनिकल के थर्ड सेट में सिंगल मार्क के लिए अपेयर हुआ था क्वेश्चन। देखते इस क्वेश्चन को, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट। ठीक है, हमारे पास में क्या है, एक फंक्शन एफ एक्स, वो क्या है, इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट। चलिए मान लेते हैं पॉइंट x इज इक्वल टू a पे हमारे पास में क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, द लिमिट ऑफ द फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट एट द पॉइंट, द लिमिट मे बी डेरिवेबल एट द पॉइंट, द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट टेंड्स टू इन्फिनिटी, the limit must exist at the point and the value of the limit should be same as the value of the function at that point। तो अगर हमारे पास suppose कोई function है, वो अगर continuous है at x is equals to a, तो वहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, limit x approaches to a fx, limit हमारे पास में क्या होगा, वहाँ पर exist करेगा। अगर कोई function continuous है किसी point पे, तो limit क्या होता है हमारे पास में, उस point पर exist करता है और उस limit की value हमारे पास में f of a हो जाएगी। तो हमारे पास में ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है हमें, ऑप्शन डी, दैट मींस ये करेक्ट होगा, दैट मींस द लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, लिमिट हमारे पास में एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट शुड बी सेम एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी और जो लिमिट होगा उस फंक्शन का एक्स अप्रोचेस टू ए, दोनों हमारे पास में क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, दैट मींस ऑप्शन डी हमारे पास में क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2014 के मैकेनिकल के फोर्थ सेट में सिंगल मार्क के लिए अपेयर हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 टू 2 x माइनस 1 का स्क्वायर साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ x माइनस 1 dx इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में 0 से 2 x माइनस 1 का स्क्वायर साइन ऑफ x माइनस 1 लिखा है। ठीक है, हमारे पास में सारे जगह पे क्या दिख रहा है, x माइनस 1 और यहाँ पर भी दिख रहा है x माइनस 1 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, टर्म्स को छोटा करने के लिए क्या कर लेते हैं, x माइनस 1 को कोई एक t का पैरामीटर चूज कर लेते हैं, दैट मीन्स x माइनस 1 को हम क्या कर लेते हैं, t चूज कर लेते हैं, दैट मीन्स dx और यहाँ पर 0 हो जाएगा, दैट मीन्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा हमारे पास में। और हमारे पास जो लिमिट होंगे वो क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू को अगर हम क्या करने वाले हैं, 0 पुट आउट करते हैं, x की वैल्यू को अगर हम 0 पुट आउट करेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, माइनस 1, और x की वैल्यू को अगर हम क्या करने वाले हैं, 2 पुट आउट करेंगे तो t की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में लिमिट क्या हो जाने वाला है, माइनस 1 टू 1। ओके, और हमारे पास में x माइनस 1 को हमने क्या किया है, t पुट आउट किया, दैट मीन्स t का स्क्वायर साइन x माइनस 1 की जगह पर हम लिखेंगे t। ओके, यहां पर भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर
प्लस कॉस ऑफ टी, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ गया, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, दैट मीन्स माइनस ए टू ए एफ टी डी टी हमारे पास में आ गया। तो हम अगर चेक कर लें यहाँ पर कि ये फंक्शन हमारे पास में इवन है या फिर ऑड है। अगर हमारे पास फंक्शन ऑड होगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास फंक्शन ऑड है या नहीं है। तो फंक्शन हमारे पास में ऑड होने के लिए क्या होना होता है, कंडीशन क्या होती है हमारे पास में, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स की जगह पे हम जहाँ पे सॉरी हमारे पास टी है तो हम क्या करने वाले हैं, माइनस टी पुट करके देख लेते हैं। तो फंक्शन में हम क्या करने वाले हैं, टी के जगह पे माइनस टी पुट आउट करके देखते हैं। साइन ऑफ माइनस टी अपॉन माइनस टी का स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ माइनस टी, ठीक है। तो टी का स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा टी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस टी हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, ठीक है, अपॉन टी का स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ माइनस टी हमारे पास में कॉस टी होता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में, सॉरी ये ब्रैकेट में होगा हमारे पास में, दैट मीन्स ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, दैट मीन्स माइनस ऑफ टी स्क्वायर साइन टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस कॉस टी, दैट मीन्स ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आ गई। हमने क्या किया था, एफ ऑफ माइनस टी डाला था, विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सॉरी माइनस ऑफ एफ टी, दैट मीन्स जो फंक्शन हमारे पास में वो क्या है, ऑड है। तो फंक्शन जब भी हमारे पास में ऑड होता है तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास में, जीरो, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हमारे पास में क्या है, जीरो आंसर है, ऑप्शन बी हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने चेक किया कि फंक्शन ऑड है या इवन है। तो ऑड होने के लिए हमारे पास फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर टी का पैरामीटर था तो इसलिए हमने क्या किया, टी की जगह माइनस टी पुट आउट कर दिया, और हमने चेक किया तो हमारे पास में क्या आ रहा था, माइनस ऑफ एफ टी आ रहा था, दैट मीन्स फंक्शन क्या निकल गया हमारे पास में, ऑड आ गया, इसलिए हमारे पास में क्या आ गया, इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था मैकेनिकल के फोर्थ सेट में, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2014 के ईसीई के सेकंड सेट में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है। दैट मींस ये कंसेप्ट को मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है, गेट 2015 आई थिंक के पेपर में ये वाला कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया था। दैट मीन्स जहां पर भी हमारे पास में क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर 1 अपॉन जी एक्स होता है हमारे पास में, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा हमारे पास में, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में। तो हम क्या करने वाले यहां पर, हम सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जो हमने अभी यहां लिखा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स टू द पावर होल टू द पावर 1 अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, ई टू द पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो सेम फॉर्मेट में हमारे पास में यहां पर है, जहां पर एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास में इस क्वेश्चन में क्या दी गई है, 1 अपॉन एक्स, एंड जी एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 1 अपॉन जी एक्स के प्लेस पे लिखा हुआ है एक्स, दैट मीन्स जी एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो हम यही कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, दैट मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर होल एक्स हमारे पास में क्या हो जाएगा, ई टू द पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एक्स हमारे पास में क्या है, 1 अपॉन एक्स, जी एक्स क्या है हमारे पास में, 1 अपॉन एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये भी हमारे पास में क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 1 e टू द पावर 1 हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार मैक्सिमम पेपर्स में दिखा है, गेट 2014 में भी था आई थिंक, और 15 में तो 14 में तो है ही, गेट 2015 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से, दैट मींस इस कंसेप्ट को रिलेट करके, ठीक है, 1 plus fx to the power whole 1 upon gx के कंसेप्ट से, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2014 के मैकेनिकल के फोर्थ सेट में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन हमारा डबल इंटीग्रल से है, ठीक है। ऑल्दो मैंने ये क्वेश्चन डबल इंटीग्रल के टॉपिक में ऑलरेडी कवर किया हुआ, बट फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था जहां पर मैंने सिर्फ डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस के गेट में जो पूछे गए थे मैंने वो डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास में क्या है, डबल इंटीग्रल 0 to 2, एंड यहाँ पर हमारे पास में 0 to x ई टू द पावर एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई, सॉरी ई टू द पावर वाई है हमारे पास में, ई टू द पावर वाई, ठीक है, डी वाई डी एक्स, ठीक। सबसे पहले हमने ये बताया था कि हम लिमिट्स कैसे डिसाइड करते हैं कि ये पार्टिकुलर लिमिट किसका है। तो अगर ये x के टर्म में है तो ये किसकी लिमिट होगी, y की, दैट मींस y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x, ठीक है। और ये हमारे पास में अगर x की लिमिट, सॉरी y की लिमिट अगर ये वाली, तो हमारे पास में ये वाली लिमिट किसकी होगी, ये लिमिट x की होगी, क्योंकि दो ही वेरिएबल हमारे पास है y एंड x। तो हमें ये पता चलेगा जो पहली वाली लिमिट है वो किसकी है, जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूं, ये लिमिट किसकी है, y की। और तो फिर दूसरी वाली लिमिट हमारे पास में ये वाली किसकी हो जाएगी, x की लिमिट हो जाएगी, दैट इज x इज इक्वल टू 2 से लेकर, सॉरी x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंदर वाले लिमिट को सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स सबसे पहले y के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद तो फिर x के टर्म में जाएंगे, ठीक है। मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये था हमारे पास में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, y वाले को इंटीग्रेट करेंगे, दैट मींस e टू द पावर x हमारे पास में कांस्टेंट हो जाएगा उस टाइम, e टू द पावर y, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, e टू द पावर y आ गया हमारे पास में, और लिमिट हम बिठा देंगे 0 टू x, अब हमारे पास बचा है dx, और यहां पर हमारे पास बचा है 0 टू 2, ठीक है। चलिए तो हमारे पास में लिमिट हम जैसे बैठाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 0 व्हिच इज इक्वल टू 1, उसके बाद हमारे पास में यहाँ पे e टू द पावर x है, यहाँ पर dx है, यहाँ पर 0 टू 2 है, ठीक है। तो e टू द पावर हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, 2x x plus x which is 2x minus e टू द पावर x, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर 2 तक, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आने वाला, e टू द पावर 2x को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा हमारे पास e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस e टू द पावर x आएगा हमारे पास में, और जब हम लिमिट डालेंगे 0 से 2, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आने वाला, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो आएगा हमारे पास में e टू द पावर 4 बाय 2 माइनस e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर 0 बाय 2 माइनस e टू द पावर 0, ठीक है। तुम्हारे पास में आएगा e टू द पावर 4 बाय 2 माइनस e स्क्वायर माइनस e टू द पावर 0 हमारे पास में क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास में आ गया ये प्लस 1, ये आ गया हमारे पास में 1 माइनस हाफ विच इज इक्वल टू हाफ, दैट मीन्स हमारे पास में आ जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास में कुल मिलाकर क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास में फॉर्मेट। अब अगर हम मैच करें तो हमारे पास में ये तो नहीं हो सकता, चलिए हाफ और e माइनस e का स्क्वायर हमारे पास e टू द पावर 4 है, तो e टू द पावर 4 हमारे पास में कहाँ आ रहा है, यहाँ पर भी e टू द पावर 4 नहीं आ रहा, यहाँ पर e टू द पावर 4 आ रहा है क्योंकि e स्क्वायर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर e टू द पावर 4 आ रहा है, यहाँ पर भी e टू द पावर 4 नहीं आ रहा। आप अगर जब चेक करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो हमारा ये सेशन था ये कंप्लीट होता, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।